सफर करना पड़ा है और कितने लोगों की जान गई है? बताया जा रहा था कि चार की मौत की मामले में संज्ञान में आ रहा है कि चार लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी प्राइवेट ये बस से कितने लोग सवार थे, मगर इसने ये कहना कि सारे लोग निकल गए थे या कितने लोग फंसे थे, अभी पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही। हालांकि ये बताया जा रहा था कि बस में काफी लोग सवार थे। ठीक है अभिषेक, आप बने रहे, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष मौके पर मौजूद है। मनीष, किसी चश्मदीद से कोई बातचीत आपकी हो पाई है जो बता पाया हो कि हादसा कैसे हुआ? मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मनीष, किसी चश्मदीद से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, अभी तक जैसा हमारे साथी मऊ से अभिषेक बता रहे थे कि क्योंकि जहां पे घटना स्थल है वो मऊ से नजदीक है, तो वहां से जिन लोगों को निकाला गया उनको मऊ के जिला अस्पताल ले जाया गया है, और अभी तक चार लोगों की इस दुर्घटना में मरने की खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है और कुछ लोगों को मऊ के जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बस जो है मऊ के ही खिदियापुर गाँव से दर्शन करने के लिए महाहर शिव मंदिर आई हुई थी, जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है, और रोड पर चलते हुए बस पर हाई टेंशन तार गिरा और दुर्घटना हो गई है। जी मनीष, तार टूटकर बस पर गिरा या तार वहाँ बहुत नीचे से गया था, बस उसमें उसके संपर्क में आ गई, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी चश्मदीद से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो वो बता पाएगा जिसने देखा हो इस हादसे को होते हुए? देखिए, ये एक थोड़ा सा सन्नाटे वाला इलाका था, तो इसलिए अभी तक हमें प्रत्यक्षदर्शी तो इस मामले में नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आपने जो एक सवाल खड़ा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या तार इतना नीचे तो नहीं था जिसमें बस से टच कर गया हो, बस को छू गया हो, या तार टूट कर गिरा, ये तो आगे जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि दुर्घटना कैसे हुई थी। फिलहाल अभी तो जिला प्रशासन की पूरी तरह से रेस्क्यू के बचाव कार्य में लगा हुआ है, और अभी बस यात्रियों को सुरक्षित निकालना, उन्हें इलाज के लिए पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि जांच कैसे, दुर्घटना कैसे हुई है, क्या कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी गई है? देखिए, मौके पर गाजीपुर के डीएम पहुंच चुकी हैं, गाजीपुर के एसपी पहुंच चुके हैं और तमाम अन्य नीचे के अधिकारी पहुंच चुके हैं, और वो मौके का मुआयना कर रहे हैं और अपने अधीनस्थों को लगातार निर्देश दे रहे हैं रेस्क्यू के लिए, और बचाव कार्य हो रहा है। घायलों को या बस में सवार यात्रियों को जो झुलस गए हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है। जी फिलहाल क्या किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है, हमारी पुलिस अधीक्षक से बात की हुई है, हालांकि दोनों इस समय अपने आप को बचाव कार्य में व्यस्त होने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रियों की जीवन को बचाना अभी उनके लिए महत्वपूर्ण है, और उनसे जब आंकड़ों के विषय में बात की जा रही है, दुर्घटना के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो रास्ता हम देख रहे हैं ये रास्ता क्या बड़े वाहनों के लिए रास्ता उपयोग में लाया जाता है या फिर ये गलत रास्ते पर ये बस जा रही थी, हाई टेंशन लाइन, क्योंकि दूर दूर तक हम देख रहे हैं जो तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बस में आग लगी है उससे थोड़ी पहले तार जाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता उतना फैमिलियर नहीं लग रहा है कि रोजाना इस्तेमाल होता हुआ हुआ हो या क्या हुआ है, बताइए जरा विस्तार से। देखिए, ये महाहार मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क नहीं थी और ये एक साइड लाइन थी, और आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख सकते हैं बड़ी सती सी सड़क है और कच्ची सी सड़क है, और ये आम रास्तों में इसको शुमार नहीं किया जा सकता है। अब ये बात अभी आगे स्पष्ट होगी कि वो बस उस रास्ते से क्यों गुजर रही थी, क्या किसी दूसरी रूट पे जाम लगा था और उन लोगों ने दूसरा रास्ता चुना आने जाने के लिए, तो ये सड़क में आम लोगों का आम रूप से आना जाना नहीं था। हालांकि अगल बगल गांव बसे हैं तो गांव के लोग जरूर उस सड़क पर आते जाते रहे हैं, और सड़क कच्ची दिख रही है, तो इसलिए इस बात को कहा जा सकता है कि ये आम रास्ता नहीं था और इधर से ये सड़क इस सड़क पर ये बस कैसे आई है और क्यों गुजर रही थी, क्या बता रही थी, अब ये बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये मुख्य सड़क नहीं कहा जा सकती। जी
ठीक है मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को पूरी खबर फिर से बता दें, गाजीपुर से हृदय विदारक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये बस इस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आती है और बस में सवार किसी भी यात्री को निकल पाने का समय नहीं मिलता, बस में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 यात्री उस वक्त बस में सवार थे, ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोग इसमें सवार थे। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि दुल्हन भी इसी बस में सवार थी और सभी आग में पूरी तरीके से झुलस गए हैं। अब तक 4 मौत की पुष्टि हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, कई लोगों को मऊ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। एक जानकारी मिल रही है कि एक बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनीष, बच्चे को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, उसकी स्थिति इस वक्त क्या है? मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? एक जानकारी मिल रही है कि एक बच्चा इस हादसे में बचाया गया है, उसको फौरन अस्पताल ले जाया गया है, उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि जो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं वो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और तमाम लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब अस्पताल भेजा जा रहा है लोगों को और कुछ देर बाद ये मालूम चलेगा, डॉक्टर जब परीक्षण करेंगे कि इन घायलों की स्थिति क्या है, क्या इसमें सुधार हो सकता है और घायलों की एग्जैक्ट संख्या के बारे में भी सभी जानकारी मिल पाएगी। और लगातार क्योंकि बचाव कार्य चल रहा है, आपको बता दें कि ये जो हादसा जहां पर हुआ है वो एक पच्चीस सड़क के दूसरी ओर एक हादसा कट रहा था जहां से ये बस गुजर रही थी और एक भीषण हादसा है। इसमें आशंका है कि बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे, बहुत सारे लोग झुलसे हैं, बहुत सारे आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक 4 लोगों की मौत की बात सामने भी आई है, लेकिन अभी सही अनुमान कोई भी नहीं लगा पा रहा है कि बस में कितने लोग सवार। हालांकि मौके पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मनीष, जिला मुख्यालय से दूरी कितनी है जहां पर ये हादसा हुआ है, और अधिकारी अगर वहां पहुंच गए हैं तो उनको एग्जैक्ट आंकड़े बता पाने में कठिनाई क्यों आ रही है? क्योंकि हम देख पा रहे तस्वीरों में कि आग बुझा ली गई है और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अधिकारी अभी कुछ भी सही स्थिति बता पाने में सक्षम क्यों नहीं है? देखिए, वो भी लोगों से जानकारी लेने में अधिकारी लगे हुए हैं और क्योंकि ये इतना हादसा है कि अभी इस हादसे को लेकर पहले बचाव का चीजें हो रही हैं। हम मौके पर आपको बता दें कि कई आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंची हैं और उनमें से कुछ बस यात्री जो झुलसे हुए थे उनको बाहर निकाल के अस्पतालों में भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। हालांकि आग बुझाई जा चुकी है लेकिन अभी सबके पूरे यात्रियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका और एक सरकारी अमला, बड़ा सरकारी अमला वहां पर लगा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ भी लगी हुई है और ऐसे में कोई भी अधिकारी अभी बहुत कुछ बता नहीं पा रहा है। और या तो उस अधिकारी को खुद भी नहीं मालूम है कि दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई और दुर्घटना में क्या कैजुअल्टी हुई है, अभी अधिकारियों के पास शायद खुद ही ये जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, और आप बता रहे हैं जिस तरीके से अभी अधिकारियों की पहली प्राथमिकता है कि घायलों को उचित उपचार दिया जा सके और जितने लोगों की जान बचाई जा सके उनको फौरन राहत बचाव कार्य से जोड़ा जाए। और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक तरफ धुएं का काला गुबार जो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ पानी डाला जा रहा है उस बस के ऊपर जिस पर आग को लगभग बुझा लिया गया है। कितनी देर पहले की ये घटना है मनीष, और बड़ी बात ये कि जो परिवार और जो लोग इसके अंदर शामिल थे वो कहाँ से आ रहे थे, किस ओर उनको जाना था, और खबर है कि पुलिस ने उनको रोका भी था कि वो उस रास्ते का उपयोग ना करें लेकिन फिर भी उसी रास्ते से बस गए। देखिए, हम आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे पहले की घटना है और ये गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र के महारधाम के आसपास की घटना है, जहाँ पर अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कि मऊ जनपद के दिव्यापुर गांव से रहने वाले कुछ लोग थे, दर्शन करने के उद्देश्य से महारधाम के शिव मंदिर में आए थे और दर्शन करने ये जा रहे थे, आ रहे थे। और आपको बताते हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क का भी निर्माण ही हो रहा था और इस सड़क निर्माणाधीन है और इस सड़क से ये बस यहाँ से गुजरी है और सड़क के बिल्कुल आर पार बिजली के तार लगे हुए हैं और इस कच्ची सड़क पे जब बस गई है तो बिजली के तार की चपेट में हाई टेंशन तार जिसमें मिनिमम 11,000 वोल्ट का करंट लगातार प्रवाहित होता रहता है
और उसमें वो चपेट में आ गई है और करंट की चपेट में आने से ही बस में आग लग गई है और देखते ही देखते आग पूरे बस को अपनी चपेट में ले लेती है और बस में सवार यात्रियों में जब चूंकि आग लग चुकी होती है तो बाहर निकलने उनके लिए बेहद जरूर था मुश्किल। ऐसे में ये गंभीर हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये गंभीर हादसा हुआ है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत से लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि एक बच्चे को ज़रूर बचाया गया है और इस वक्त ओपी सिंह जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, डीआईजी हैं वाराणसी से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आधिकारिक आंकड़ा क्या है और ये हादसा किस तरह पेश आया, क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? ये बारात से बड़ी बस थी जो हाई टेंशन लाइन से टच हो जाने की वजह से उसमें आग लग गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी मौके पे हैं और हमारा पुलिस बल है, घायलों को भेज दिया गया है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, अब तक लगभग चार या पांच लोगों के मृत होने की सूचना है और जैसे ही पूरी जानकारी भी हम बात कर रहे हैं, लगातार रेस्क्यू चल रही है और पूरी जानकारी होगी आपको बता दें। जी, तकरीबन कितने लोग इस बस में सवार होंगे और खबर ये भी है कि पुलिस ने उस रूट से जाने से रोका भी था लेकिन फिर भी वो बस गई। जी, तो अभी उनसे वार्ता नहीं हो पा रही ठीक से, जैसे ही फ्री होते हैं ना पूरा डिटेल लेकर के आपको आगा। जी, क्या कुछ लोगों को हायर सेंटर भी रेफर करना पड़ा है या सबका इलाज वहीं जिला अस्पताल में किया जा रहा है? हम मौके पे तत्काल पहुंच गई, लोकल पुलिस मौके पे पहुंच गई, हॉस्पिटल भेजा गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एससी भी मौके पे हैं और शीघ्र ही श्रेष्ठ जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। तो फिलहाल चार से पाँच लोगों के हताहत होने की सूचना है, तकरीबन कितने लोग घायल होंगे? अब अभी घायलों की सूचना हॉस्पिटल से संपर्क करके मांग लो। जी, जानकारी के लिए जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ डीआईजी वाराणसी जुड़े और उन्होंने कहा कि चार से पांच लोग अभी तक हताहत हुए हैं और घायलों का आंकड़ा कितना है उस पर आधिकारिक जानकारी अब से थोड़ी देर बाद उपलब्ध करवाई जाएगी क्योंकि फिलहाल प्राथमिकता है कि मरीजों को उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाए और उनकी जान बचाई जाए।